हमारी कोई कांग्रेस से दुश्मनी है, जनता दल से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि हम व्यापारी हजरात हैं। हमारे मसले कौन देख सकता है? हमको अब आने वाले दिनों में एक मजबूर क़यादत की जरूरत नहीं है, एक मजबूत क़यादत की जरूरत है। पब्लिक का जो काम था, किसी का कोई काम नहीं हुआ, मामूली पुलिस स्टेशन में ले जाके मारे तो छुड़ाने वाला नहीं है। कोरोना आ गया तो जिम्मेदार बेंगलोर में पेशेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि नासिर साहब 5 साल में तब्दीली लाएंगे। अगर नहीं लाए तो फिर हमारा काम है फिर दूसरे के लिए सोचना। कांग्रेस हम पे जो है ना कैंडिडेट मुसल्लत नहीं कर सकती। कांग्रेस का फैसला हमको कबूल नहीं है, हम जो चाहते हैं वो कबूल होगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय बाकर्स पब्लिक स्कूल गुलबर्गा। योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन, इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज, होलिस्टिक टीचिंग एंड लर्निंग। 2023 एडमिशन आर इन प्रोग्रेस, नर्सरी टू ग्रेड 9। एड्रेस बिहाइंड KNZ गार्डन फंक्शन हॉल, रिंग रोड, गुलबर्गा। आप तमाम लोगों के सामने मैं चंद बातें रखूंगा। मौलाना तो काफ़ी तफसील से बात रखे, लेकिन मैं मुख्तसर अंदाज में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जो है ना शहर गुलबर्गा में मुझको पकड़ के आप तमाम लोग सब कांग्रेस का ही काम करें। कांग्रेस जैसा ही बोलती थी कि ये हम फैसला करे हैं, हम लोग उस फैसले के साथ चलते था, उससे अवाम को फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी कोई कांग्रेस से दुश्मनी है, जनता दल से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि हम व्यापारी हजरात हैं। हमारे मसले कौन देख सकता है? हमको अब आने वाले दिनों में एक मजबूर क़यादत की ज़रूरत नहीं है, एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत मैं समझता हूँ। मौजूदा हालात ऐसे हैं, आने वाले पिछले 5 साल हम देख लिए, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पब्लिक का जो काम था, किसी का कोई काम नहीं हुआ, मामूली पुलिस स्टेशन में ले जाके मारे तो छुड़ाने वाला नहीं है। कोरोना आ गया तो जिम्मेदार बेंगलुरु में पेशेंट हॉस्पिटल में, कईयों की मौत हो गई, दफनाने वाला नहीं। ये मेहरबानी जो है ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे, नौजवान बच्चे काफ़ी काम करे, लेकिन जो जिम्मेदार थे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सके और कर भी नहीं सकते। मेरे को भरोसा है आने वाले 5 सालों में अगर यही हालात रहा, हम ये सोचे अरे भाई हम अगर कांग्रेस को नहीं डाले तो बीजेपी आती, ये आम जहन हो गया गुलबर्ग में, ये जहन बना दिया गया है कि भाई अगर आप कांग्रेस को नहीं डाल रहे तो बीजेपी आती है, आप गैर जरूरी मत करो, ऐसा कांग्रेस को मत हराओ, ये जहन बनाने की वजह से कई लोगों को सोचना पड़ रहा है। लेकिन सारे मिलकर अगर नासिर साहब का साथ देते हैं तो मैं समझता हूँ एक मजबूत क़यादत गुलबर्गे में होगी। आने वाले दिनों में जो भी मसाइल रहेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है कि नासिर साहब 5 साल में तब्दीली लाएंगे। अगर नहीं लाए तो फिर हमारा काम है फिर दूसरे के लिए सोचना। ऐसा नहीं है, हम किसी के मजबूर नहीं है, हमको मजबूत आदमी की ज़रूरत है। आज मौजूदा हालात में हम नासिर साहब को एक मजबूत आदमी समझकर उनका साथ दे रहे हैं। कोई पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, किसी से ताल्लुक नहीं, ताल्लुक़ है तो सिर्फ एक अच्छे ख़याल की ज़रूरत है। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस हम पे जो है ना कैंडिडेट मुसल्लत नहीं कर सकती। कांग्रेस का फैसला हमको कबूल नहीं है, हम जो चाहते हैं वो कबूल होगा, ये बताना चाहिए। ये बताने के लिए हम साथ आए हैं कि भाई आप हम पर जो है ना, हम बोल दिया इनका काम करना, आर्डर आ गया, नहीं आर्डर तुम देंगे तो काम नहीं होगा, हम जो चाहते हैं वो काम होगा। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज के हालात में एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है, इसी मजबूत लीडर का आप साथ दीजिए ताकि आने वाले दिन हमारे अच्छे रहे। बस इन चंद कलमात के साथ अपनी बात ख़त्म करें।